बात है भाई, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह ट्रेंड हो रहा है आदित्य राज सिंह गेटिंग मैरिड अगेन। ब्रो मेरे लिए तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। गिनी तो तेरे लिए एक समय मुसीबत थी ना। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट तुमने दिल से करी या दिमाग से? कहते हैं चटनी और अचार के विचार नहीं मिलते, पर जब ये साथ मिलते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। ऐसा ही टेस्ट चाहिए था। संतो? हाँ जी, बोलो जी संतो जी। वहां वो बंदे और जनानियां इतनी बकवास बातें कर रहे थे कि उनका मुंह बंद करने के लिए आदित्य जी को कुछ तो बोलना था ना। पर हाँ, वो एकदम से प्यादी अनाउंसमेंट कर देंगे ये मैंने नहीं सोचा सी। हो सकता है उन्होंने मेरे मान सम्मान के वास्ते ऐसा बोल दिया हो। और हाँ संतो, जब मुझे गोली लगी थी उसके बाद आदित्य जी ने मेरा ख्याल ही नहीं रखा, मेरी सेवा की। चल कुछ भी ना बोल, अब उनके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है ये मैं नहीं दस सकती। चल कमली मेरे नाल गल ना कर तू। यार रहमान, उन्हें देखा ना सैम और वो बाकी लेडीज कैसे गिन्नी को टारगेट कर रही थी। पर आदि, टेक्निकली ये प्रॉब्लम गिन्नी की है, तो उसको हैंडल करने देना। तू क्यों परवाह कर रहा है? मैं क्यों परवाह कर रहा हूँ? हाँ, गिन्नी के साथ अगर कुछ भी होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी ना। आई केयर फॉर हर। अच्छा सुन, तो यू केयर फॉर हर और क्या? और क्या, गिन्नी मेरी जिम्मेदारी है और उसके लिए लड़ना मेरी ड्यूटी। ड्यूटी और क्या? ये क्या और क्या और क्या और क्या लगा रखा है? जो बोलना है साफ साफ बोल। आदि साफ साफ मुझे नहीं, तुझे बोलना है। गिन्नी को, गिन्नी को पता तो होना चाहिए ना कि तेरे मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। इमोशंस तुझे नहीं समझ में आते और प्यार जैसी फीलिंग्स ये तो तेरे लिए रॉकेट साइंस होगी। देख ऐसे समझ, तुझे केयर किसकी है? गिन्नी की। तेरी जान चली जाए लेकिन किसकी जान सेफ रहनी चाहिए? गिन्नी की। तू ये सब कुछ जो कर रहा है किसके लिए कर रहा है? गिन्नी के लिए ना। आदि यू आर इन लव। तुझे जो करना है कर, सबको बुला, अनाउंसमेंट कर, लेकिन उससे पहले गिन्नी को प्रपोज तो कर। बताना उसे कि तेरे दिल में क्या चल रहा है और उससे पूछ कि उसके दिल में तेरे लिए क्या फीलिंग्स है। गिन्नी की आदत सी हो गई है, पता ही नहीं चला ये आदत प्यार में कब बदल गई। उल्टी खोपड़ी, सब उल्टा कर दिया ना। अब उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है कि अब हमारा दोबारा ब्याह होगा, वो भी ठीक है, पर मेरे लिए ठीक ते ठाक है ये जानना कि कहीं वो उन लोगों को जवाब देने के लिए मजबूरी में तो ब्याह नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो फिर ब्याह करने दे कोई लोड ही नहीं, क्योंकि ऐसी मजबूरी वाली शादी तो हमारी पहले हो चुकी है ना। अब मैं तेरे नाल बाद में गल करती हूँ। चाहते हो ना हम लोग यहाँ पर बैठकर लंगर खाए, तो इस कुड़ी नु बोले यहाँ से निकले। आप लोगों को तकलीफ है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ की कोई बेइज्जती करे, बदतमीजी से बात करे, ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं आदित्य राज सिंह, किन्नी आदित्य राज सिंह से
सारे रीति रिवाजों के साथ शादी करूंगा। आदित्य जी, मैंने समझना है, जिस गिन्नी को आप समाज के सामने लीगल वाइफ की जगह दे रहे, उसकी जगह आपके दिल में क्या है? गिन्नी, वो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमसे, मैं तुमसे कहना चाहता था। चिचड़ सिंह, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। तू ना सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स कर और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल कर। क्यों रहने दे, सब होगा, मैं करता हूं ना। धन्यवाद जी, थैंक यू। हेलो गुलाबो जी, सत श्री अकाल। मैंने आपको बताया था ना, पापा जी की फोटो फ्रेम करने दी है, वो आज आ गई है। अब सवेरे सवेरे वाहेगुरु जी के साथ पापा जी की फोटो को भी गुड मॉर्निंग बोल दूंगी, ऐसे ही जैसे गारज कर दी सी। ठीक है जी। हो गया? देख जो तू कर रहा है ना, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और गिन्नी के साथ बिताया हुआ हर पल, हर लम्हा उसे याद कर, और फिर पूछ गिन्नी से क्या वो तेरे साथ हर पल जीना चाहेगी। अरे यहां दिखाओ, जिंदगी तुम्हारे साथ हर गम हर खुशी बांटना चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं गिन्नी, बिकॉज आई एक मिनट, सब यही कहेगा क्या? मिलके बोलना। मिलके बताऊंगा। एक कुड़ी की जिंदगी में सबसे बड़ा दिन वो होता है जब हंसी खुशी उसका विवाह हो रहा हो, और हमारी गिन्नी की जिंदगी में बाबा जी ऐसा दिन लेकर आए, बहुत बहुत शुक्राना। आप सुन रहे हैं ना, साड़ी ती गिन्नी नाम की शादीशुदा नहीं रही, अपनी गृहस्थी की शुरुआत पूरे सम्मान के साथ करेगी। हाँ मैं जानती हूं, आप दोनों प्योती, आपके दिलों में एक ही दिल धड़कता है, और आप ऊपर से अपनी ती को बहुत सारे आशीष दे रहे हैं। अच्छा जी, घर की तरफ निकलती हूं। ये ढाबा खुशवंत ढाबा था और हमेशा रहेगा। आए थे हमारे घर किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर। जवाब चाहिए ना, ऐसा जवाब दूंगा कि फिर बोल नहीं पाओगी तुम। मैं आदित्य राज सिंह,
गिन्नी आदित्य राज सिंह से एक बार फिर से शादी करूंगा। तो इस टब्बर को गिराने के लिए चाहे खुद कितनी भी गिर जाओ, इनका बाल बाका नहीं कर पाएगी। गिन्नी को बहुत गुरूर है ना अपने टब्बर और विरसे पे। अब देखना, ना रहेंगे ये दोनों और ना रहेगा ये गुरूर। या तो तू मेरी हरजीत से अभी के भी बात करा दे, नहीं तो कैसे भी करके ना मैंने इससे खुद बात कर लेनी है। अरे वाह, क्या जा रही है, अदी पूरा अमृतसर बुला रहा है अपने ब्याह में। जब वापस सब लोग मुझसे पूछेंगे और जी आपका जवाई कहाँ है, मैंने क्या जवाब देना है? मूड क्या बनी हुई है, कुछ बोल रही हूँ मैं तुझसे, बात कर रही हूँ मैं तुझसे। मामा मैं करवाऊंगी ना आपकी गल हरजीत के नाल, थोड़ा टाइम तो दो, आप समझ ही नहीं रहे हो। सब समझ में आ रहा है मुझे, मैं फोन करती हूँ, बड़ी आई मुझसे बात करवाएगी। मम्मी आप फोन मत करो, चुप रहे, चुपचाप बैठी रहे वहां पर। जब तक तू फोन नहीं उठाएगा ना मैं आज तुझे कॉल करती रहूंगी। हेलो हरजीत पुत्र, मैं ना। आंटी जी मैंने पता है आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, आपको जानना है ना आपकी बेटी गुरलीन ऐसे अचानक घर क्यों आ गई। तो एक काम करिए, आप उसी से पूछ लीजिए, स्टॉप कॉलिंग मी। कैसा है गुरलीन, कैसा है फिर? इतनी बड़ी हो गई है, अपनी मम्मी से बातें छुपाने लगी है, तो ठीक है फिर अपनी प्रॉब्लम्स भी ना खुद ही हैंडल करना सीखो। तू अभी के अभी ससुराल जाएगी अपने, अभी के अभी बैग पटक और निकल। अपने मन की करनी है तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये पकड़ तेरा बैग और चली जा यहाँ से अभी के अभी। एक बात कान खोल के सुन ले गुरलीन, इस घर में ना तू अब तभी रुक सकती है जो आदि के ब्याह में तेरा घर वाला आएगा, समझे? तो गिनी वो फोटो अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। वो मैं फ्रेम मैच कर रही है। हाँ परफेक्ट है। अब वो गिनी आदित्य जी, ये मेरी फेवरेट फोटो है। गिनी मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ जी। वो नहीं, वो मैंने वो अनाउंसमेंट जो मतलब सबके सामने मैंने अनाउंसमेंट की तुमसे बिना पूछे, आई होप यू आर ओके विद इट। मतलब तुम मेरे डिसीजन से अग्री करती हो ना? नहीं गिनी, एक मिनट, नो क्यों? मैं कैसे अग्री कर सकती हूँ आदित्य जी? मैं जानती हूँ ये फैसला आपने अपनी खुशी से नहीं लिया है, समाज के दबाव में आके मेरा मान बचाने के लिए लिया है। नहीं गिनी, तुम गलत समझ रही हो। तुम बैठो प्लीज। गिनी वो मैं एक मिनट,
क्या हुआ? गिन्नी, डिसीजन के पीछे प्रेशर नहीं, वजह है, और वो वजह तुम हो। गिन्नी, तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा समझने लगी हो। मेरे लिए क्या सही है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये जो नया आदि तुम देख रही हो, इसकी वजह भी तुम। गिन्नी, मैं हर मौसम, हर पल, हर गम, हर खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। बस तुमसे ये कहना चाहता हूं क्या है, कहा था ना गिन्नी, अटैक वहां करूंगी जहां तुझे सबसे ज्यादा चोट लगेगी। तूने मेरा नाम का बोर्ड जलाया था ना, ले आज मैंने तेरा विरसा ही जला दिया। गिनी, सब ठीक हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं हुआ। गिनी आदित्य जी, फोटो गिनना, आग लगना, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कुछ नहीं होगा गिनी। गिनी, पता नहीं कैसे ढाबे पे ना आग लग गई है और आग ना चारों तरफ फैली जा रही है। कोल्ड डिश, एमपी एंड